हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक, जहरीले सिक्के। भीख मांगना कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों का ये बिजनेस है। ऐसा बिजनेस जिसमें ना हींग लगती है ना फिटकरी, और रंग भी चोखा आता है। इसलिए भीख मांगने का बिजनेस करने वाले अपनी रात इस तरह गुजारते हैं, और मजबूरी वाले इस तरह, और मजदूरी वाले इस तरह। इस अभागिन को रुपया दे दो, को रुपया 2 रुपया देता जा बाबू, इस जिंदगी पर तेरा एहसान होगा। काले चश्मे के पीछे छिपी इन आंखों में उमड़ा करुणा का सागर, उसके शब्दों में स्पष्ट झलका। ये 2 सिक्के तुम्हारी जिंदगी पर जरूर एहसान करेंगे। आई अचानक न जाने क्या हुआ उस बुढ़िया को कि वह तड़पी और पल भर में ही ठंडी हो गई। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। अपने रास्ते बढ़ गए उस शख्स को, तभी तभी कुछ तभी दूर कहीं से गूंजी मुर्गे की बांग ने चौंकाया। कुकड़ू कू। सुबह होने को है, मेरा आज का काम खत्म, अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। ठीक उसी समय शहर के दूसरे कोने में कोई और भी वापस लौट रहा था, और वो था 3 रंगों को अपने शरीर पर धारण करने वाला ये नौजवान। आज रात की मेरी गश्त खत्म होती है, शुक्र है आज की रात शांति से गुजरी, शहर में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। अरे चोर चोर, ये तो शिखा की आवाज है, लगता है उसने कोई चोर देख लिया। मुझे यह कपड़े बदलकर तुरंत ही बाहर निकलना होगा। अबे जब तक बाहर पहुंचा तब तक शिखा की चीख से सारे घर में जाग हो चुकी थी। क्या हुआ शिखा, कहाँ है चोर? आपके कमरे में? मेरे कमरे में? हाँ अबे भैया, उसने अपने आप को लबादे में छुपा रखा था। अपनी आंखों से मैंने उसके कमरे में उसे आपके कमरे में घुसते देखा। अगर ऐसा है तो आओ मेरे कमरे में, देखते हैं। समझा, शिखा ने तिरंगा के रूप में मुझे अंदर घुसते देख लिया और चोर चोर चिल्लाने लगी। कमरे में भला कौन मिलना था, कमाल है, मैंने अभी अभी उसे अपनी आंखों से इसी कमरे में अंदर घुसते देखा था। यहाँ तो चोर के नाम पर कोई चूहा भी नहीं है महारानी जी, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। नहीं अबे भैया, मैंने अपनी आंखों ओ लीव इट शिखा, क्यों अपने साथ साथ हमारी भी नींद खराब कर रही हो। शिखा के साथ साथ उसके मम्मी पापा अभय के कमरे से बाहर निकल गए। तब अभय की जान में जान आई, आज तिरंगा का राज खुलते खुलते रह गया। लेकिन ऐसा आगे ना हो इसलिए मुझे तिरंगा के लिए कोई दूसरी सुरक्षित जगह देखनी होगी, जल्द से जल्द। अब मुझे कुछ देर सो लेना चाहिए, क्योंकि आज सुबह मुझे शिखा के साथ मानसी से मिलने जाना है उसके घर। हेलो मानसी, आप तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। अपने भाई रोहन कपूर की मौत के इतने दिनों बाद भी मानसी अपने आप को सदमे से कहीं नहीं उबार सकी है। शून्य में निहारती मानसी की आंखें मानो आज भी उस जुल्म को साक्षात देख रही हैं जो कंपनी वालों ने मानसी व उसके भाई पर किए थे। देखो मानसी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, चीज बर्गर तुम्हें बहुत पसंद है ना। हंसी ही मानसी के चेहरे पर फैली उदासी की चादर को नोच कर फेंक सकती है। लगता है तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा। चलो हम पढ़कर सुनाते हैं, आजकल अखबार में काफी अच्छे अच्छे चुटकुले। अरे क्या हुआ अबे भैया, बड़ी सनसनीखेज खबर है, शहर में 3 रहस्यमयी हत्या और 3 मृतकों को बेसहारा भिखारी, शहर के 3 भिखारियों की रहस्यमय हत्या। कमाल है, कोई भिखारियों की हत्या क्यों क्यों करने लगा, इसके पीछे जरूर कोई रहस्य छिपा होगा, और वह रहस्य क्या है मैं इसका पता लगाऊंगा। जहां अभय के चेहरे पर उस रहस्य को जानने की दृढ़ता नजर आ रही थी, वहीं इन आंखों में भी नजर आने लगी थी आग, अपराध और अपराधी के प्रति नफरत की आग। उसी रात कौन है, सामने आओ वरना गोली मार दूंगा। रिवॉल्वर रख लीजिए कमिश्नर साहब, क्योंकि बारूद अपराधियों के सीने को चीरता है और तिरंगे की रक्षा करता है। ओह तिरंगा, इतनी रात गए तुम तो मेरे बेडरूम में कैसे? तिरंगा ने अपने आने का कारण बताया तो गंभीर स्वर में बोले, कमिश्नर कुमार, इस बारे में सबसे बड़ी हैरानी की बात है, भिखारियों की हत्या करने के लिए कीमती कंटेंट पॉइजन का इस्तेमाल किया गया है। शरीर के किसी भी हिस्से के संपर्क में आते हुए जहर अपने शिकार को कुछ ही पलों में मार डालता है। यह जहर उन सिक्कों पर पाया गया है जो लाशों के पास पड़े मिले हैं। इसके सिवा अभी तक हमें ऐसा कोई सुराग नहीं मिल सका है जिसके बल पर आगे बढ़ा जा सके। अरे चला गया, कमाल है, अभी खड़ा होता है अभी गायब हो जाता है, आदमी है या प्रेत। कमिश्नर से बातें करने के बाद मुझे आगे बढ़ने के लिए एक सूत्र मिल चुका है, और वह सूत्र सिक्कों पर लगा कॉन्टेक्ट पॉइजन, जिसको जिसका हत्यारे के पास होना यह साबित करता है कि उसने वह अनाधिकृत रूप से हासिल किया है। लेकिन कहाँ से यह मुझे पता करना है। तिरंगा अपने तरीके से खोजबीन शुरू कर चुका था, और वह अपने तरीके से जो जुर्म करने वालों की छाती को अपने नाखूनों से पार डालने के लिए बन गई थी, विष भरे नाखूनों वाली
विष न खा। शहर के चप्पे चप्पे को छानकर मैंने उस कीड़े को ढूंढना है जो बेगुनाह बेसहारों के खून से अपने हाथ रंग रहा है, और जब तक उसे ढूंढकर मैं अपने नाखूनों को उसके लहू से ना रंग लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। इसी बीच इधर दुकान 24 घंटे खुली रहती है। शहर के कई केमिकल स्टोर से पूछताछ करने के बाद ही मैं तुम तक पहुंचाऊं, इसलिए सच्चाई बताने के सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। कल मेरी दुकान से एक ही एक अजीब गरीब आदमी वह जहर खरीद कर ले गया है। वह एकदम फटियाल आदमी था। मैंने उसे भगाने के चक्कर में उससे काफी ज्यादा कीमत मांग ली, लेकिन आश्चर्य बिना कुछ कहे उसने वो कीमत काउंटर पर रख दी। वह आदमी कहाँ से आया था ये मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे लालच ने दिखा दिया कि तुम इस धंधे के लिए सही आदमी नहीं हो। कोई और धंधा ढूंढो, क्योंकि तुम्हारा यह स्टोर आज से अभी से हमेशा के लिए बंद हो रहा है। केमिस्ट क्लोज फॉर एवर। फिर पुलिस को स्टोर की बाबत खबर देने के बाद तिरंगा आगे बढ़ गया। भिखारियों की हत्या करने वाला व्यक्ति उनमें से ही कोई है, इसलिए मुझे उसे वैसे ही लोगों में तलाश करना होगा। अपनी खोज के दूसरे चढ़ की तरफ बढ़ गया था तिरंगा, जबकि इसी दौरान शहर के एक कोने में अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, दाता के नाम पर कुछ दे दे, आगंतुक की आंखों में शैतानियों और हाथों में दो सिक्के नजर आने लगे। आज के बाद तुम्हारा याद किसी के भी आगे भीख मांगने के लिए नहीं उठेगा, क्योंकि तुम इस हाथ को उठाने लायक ही नहीं रहोगे। तुम इस हाथ को उठाने लायक ही नहीं छोड़ोगे। इन जहरीले को से सिक्कों से खत्म कर डालोगे तुम हाथ के मालिक को। कौन हो तुम? आफत, बला, धड़ा, जो अपने नाखूनों से तेरे हलक में दबी सच्चाई को बाहर खींच लेगी। मेरे हलक तक पहुंच पाए इतना पैनापन नहीं है तेरे इन नाखूनों में। विष्णुगा पर वार करने के बाद वहां खड़ा नहीं रहा वह। मुझे तुमसे जो जानना है वह जानकारी रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे पाताल तक भी तुम्हारा पीछा क्यों ना करना पड़े। दोनों भाग रहे थे, लेकिन दोनों के भागने में फर्क था। एक डर कर भाग रहा था, एक उसके लिए डर बना हुआ था। एक ऐसा डर जिसे अपराध और अपराधियों के जुल्म ने जालिम बेरहम भचाक विष्णुखा बनने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक उसी समय शहर के दूसरे कोने में डर किसी और पर भी सवार था। मुझे मत मारना, मैं मरना नहीं चाहता। डरो नहीं दोस्त, मैं दुश्मन नहीं तिरंगा हूं। मैं तुम्हारे जैसे तुम्हारे अन्य साथियों को ढूंढता फिर रहा हूं। क्या तुम मुझ पर विश्वास करके मुझे उनके पास ले चल सकते हो? हाँ क्यों नहीं, एक हिंदुस्तानी अगर तिरंगा पर विश्वास नहीं करेगा तो किस पर करेगा। आओ मेरे साथ। थोड़ी ही देर बाद, ओह बड़ी गंदी जगह रह रहे हो तुम सब। जगह गंदी तो है लेकिन उस हत्यारे से एकदम सुरक्षित है, जो हमें पता नहीं क्या क्यों मारने पर तुला है। उससे बचने के लिए हम सब ने मिलकर यहाँ रहने का फैसला किया है। वह सपने में भी नहीं सोच सकता कि हम यहाँ होंगे, इसलिए वह हमें मारने यहाँ नहीं पहुंच सकता। ये चीख जरूर कोई मुसीबत में है, मैं देखता हूं। इधर मैं तुम्हें जो मौत देने जा रहा हूं वह इस गिचगिचाते कीड़े सी जिंदगी से कहीं ज्यादा अच्छी है, इसलिए चीख मत माँ, चीख मत। वार बेटा, मौत भी दे रहा है तो मीठी मीठी घुट्टी पिलाकर ठाक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा की कॉमिक जहरीले सिक्के के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।